स्टेज पर बैठे हुए जलवा अफरोज चमकते हुए आफ्ताब महताब के मानिंद हेड मास्टर शबीर फारूकी सर शेख इम्तियाज फलाही दीगर मुअल्लिमीन मुअल्लिमात अजीज तलबा आप हज़रात के सामने रमज़ान मुबारक की सआदत उसकी फजीलत के तालुक से बहुत ही मुख्तसर मुझे खिताब करनी है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान करीम के अंदर सूरतुल बकरा की 183 नंबर की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह सुबहानहु व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाते हैं कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो तुम्हारे ऊपर रोजों को फर्द किया गया है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे ही ऊपर रोजा फर्ज किया गया है, बल्कि आपसे पहले दीगर उम्मतों पर भी रोजों को फर्ज किया गया था। मकसद रोजे का ये है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि आप मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ, ताकि आप जहन्नम से बच जाओ, मुनकरात से फुहशकारों से अपने आप को बचा लो। अब जैसा कि मैंने हदीस रसूल पेश किया है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा बारिक लना रजबिन व शाबान, कि अल्लाह हमारे रजब में और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमजान मुबारक के महीने तक पहुंचा। एक बात और बता दूं, हम सब लोगों के जबान जद है रमजान, हालांकि रमजान रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना, उसकी आमद है और उसकी खुशबू और उसकी महक और उसका चर्चा लोगों के जबान पर है। हमारे हेडमास्टर और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में छोटा मगर बहुत ही सबक अमोल प्रोग्राम बनाया। बस बच्चों आप ये सोचते दे लो कि हमारा मतलब इस्लाम कितना साफ सुथरा है, जो अल्लाह ताला ने हमको कहा है करने के लिए वो कीजिए और किसी तरह ध्यान मत दीजिए, तो इंशाल्लाह कभी इंसान गलत हो सकता नहीं। कभी कभी होता है आंखों से कुछ भी गलतियाँ होती हैं, गुनाह होते हैं, तो उस पर फौरन पर्दा डाल के उसे कपा लफा कर दो। रमजान का महीना है, मुबारक महीना है, हर एक अमल का सवाब 27 गुना है, रोजे रखना फर्ज है। और मौलाना ने आपको बहुत अच्छी बातें बताई हैं, बस बातें आपके जहन में आप पर मिलते हो सकते हो उसको अमल में लाइए। कब लाएंगे अमल में? जैसे कल बच्चा मुझको मिला था, मुझे अच्छा लगा नहीं, ठीक है आइंदा से याद रखो कि जबान जो रहती है हमेशा मिठास पैदा करती है। आपके ऊपर अपनी जबान है, अपने हिसाब से इस्तेमाल करना, तालीम हासिल करने में बातें हो, अच्छे अल्फाज बयान करो, ताकि कोई लोगों को बोल सके तो बोल सके कितने अच्छे बच्चे हैं यहाँ स्कूल के। सदा वादा करते हुए जैसे हमने भी आपको इनामात दिए, इनामात के ऐलान किए, इनाम को सब एक रस्मी तौर पर है, तो उसके अमल जो आप देखोगे कितना बेहतरीन है उसके लिए कि अल्लाह ताला ने हमको इतने इनामात से नवाजा है कि हम कोई तस्वर भी नहीं कर सकते उसका। पति आइए आला है रब को मार तुम्हें दीवान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुक जाओगे। फिर रमजान का महीना आ रहा है तो शहरी से इफ्तारी तक कितने खाने कितने पकवाने बनते हैं। मैं समझता हूँ कि दुनिया में सिर्फ ये महीना छोड़कर इस महीने में हम इतना सत्य दस्तर मांग में भूखा रहने के बावजूद भी, तो आप ये सोचो कि अल्लाह ताला ने इस महीने में कितनी बरकत अता कीजिए, तो आपका फायदा उठा लीजिए, अमल कीजिए, नमाज कायम कीजिए। और बहुत सारी बातें कहने की रहती है, वक्त बहुत हो चुका है, आप अपने अमल को बहुत अच्छे अंदाज में पेश कीजिए और अच्छे इंसान बनिए। ठीक है, बनेंगे अच्छे इंसान, इंसान तो माशाल्लाह अच्छे, पर
हो रहा था जैसे पिक्चर देखते थे पहले टीवी पर, एडवर्टाइजमेंट आती थी कि लाइफ वो है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, और इतने प्रोग्राम है थे और ठीक आप इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। एक बात तो मौलाना साहब जब हदीस आखिर में बयान किए थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ते जाते थे और आमीन कहते जाते थे, उसमें एक बात ये भी आई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और उनका दरूद शरीफ ना पढ़ा जाए उस पर भी अल्लाह के नबी आमीन कहते हैं, उसका भी बर्बादी हो हलाकती हो। लेकिन आज देखा जाता है हम में से अक्सर लोग नबी अलैहिस्सलाम का नाम आता है लेकिन हमारी जबान नहीं, इसलिए हमें हर वक्त और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मनसब ला सलात अलैहिया सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरफ, जिसने एक बार उस पर दरूद भेजा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता, इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, अपने जबानों को हरकत में लाना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम सुनने के बाद। एक बार सब तमाम तलबा बनेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना। तलबा ध्यान दें कि रूम नंबर 1 से लेकर 6 में जो टीचर मौजूद है एक क्लास को लाइन से जब कल स्कूल की छुट्टी देंगी परसों स्कूल आज माहौल चलेगा।